Today's topic, infants of HIV positive mothers, yani pregnancy ke duran mothers ka positive hona HIV, human immunodeficiency infections, jo ki common problem in society in the world. Percentage of HIV America, Africa and Europe. First is in HIV positive 1981 and in India 1986 city in Tamil Nadu. HIV virus हमारे society की और पूरे world की एक common समस्या है जिसकी जो सबसे पहले अमेरिका अफ्रीका एंड यूरोप में पाया गया उसके बाद इंडिया में फर्स्ट केस तमिलनाडु में पाया गया। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इसके कारण से बॉडी काफ़ी बेथाल हो जाती है, इसके अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब देखते हैं कि अगर ऐसा भी पॉजिटिव मदर है तो इन्फेंट्स पे कैसे ये डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है और किन किन कारणों से हो सकती है। तो पहले कार लेते हैं कि हम इटियोलॉजी या फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल या पेरिनेटल। हॉरिजॉन्टल यानी जेनेटिक, यानी जेनेटिक चक्कर या जेनेटिक चलता आ रहा है। दूसरा अगर किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा एचआईवी पॉजिटिव वायरस का ट्रांसमिशन होना हॉरिजॉन्टल जाता है। वर्टिकल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इन यूट्रो या इंट्रापार्टम या ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होना। अब इसमें इन यूट्रो में कितना परसेंट चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन होने के एचआईवी वायरस के, 31% और इंट्रा पार्टम में 59 to 65 और ब्रेस्टफीडिंग में 8 to 11 चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के वायरस के। अब वर्टिकल कैलेंडर में कौन से अदर फैक्टर होते हैं जिसके कारण से एचआईवी होने के चांस रहते हैं इन प्रेगनेंसी। पहला होता है लैक ऑफ नर्सिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स फीटस को प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका कम होना, जैसे कि IgA, IgM, हीमोग्लोबिन जो प्रेगनेंसी के दौरान फिटस को प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट में लैक है सिलिकोन काउंट्स, यानी जो सेल्स है सिलिकोन काउंट्स इनका कम होना, ये ब्रश में 500 से 500 टू 1400 तक होती है जो हमें इंफेक्शन से किसी भी इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है, जिनका कम होना एचआईवी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट मैटर सर P24, ये एक तरह का प्रोटीन एचआईवी वायरस है जो है एचआईवी वायरस कंडीशंस को और इंप्रूव करता है और ब्लड के अंदर एक कैप्सिस बनाता है और कैप्सिस बना के इम्यून सिस्टम को ब्रश कर देता है, जिसके कारण से इंफेक्शन और इंप्रूव हो जाता है एचआईवी। इसीलिए इसको एचआईवी प्रोटीन वायरस भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में हाई CD8, ये कौन से होते हैं, ये इन्फेक्शन को और इम्प्रूव करते हैं और बढ़ाते हैं, इनका हाई होना ब्लड के अंदर एचआईवी को भी होने के चांस को बढ़ाता है।
नेक्स्ट लैक ऑफ एंटीबॉडी थेरेपी और इंफ्लेमेशन ऑफ द पैरेंटल प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस, हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस में ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस, डायग्नोसिस फर्स्ट पे डायग्नोसिस में लेंगे हम डिटेक्ट प्रोटीन वायरस, इसका डिटेक्ट करेंगे कि ये अगर सेल वॉलेट्स में है तो एचआईवी के पूरे पूरे चांस रहते हैं। नेक्स्ट इसमें करेंगे पुलिस भी चैन रिएक्शन को डायग्नोस करेंगे, इसमें इसमें डायग्नोस करेंगे जेनेटिक जो है यानी जेनेटिक रीजन को डिटेक्ट करेंगे, इसके द्वारा करेंगे सेल्स यही आरएनए के द्वारा। थर्ड होता है इसमें एरिजन जो इम्यूनोग्लोबुलिन को डिटेक्ट करते हैं, एलिजा यानी इम्यूनोसोर्बेंट एस इम्यूनोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं एलिजा टेस्ट द्वारा। तो ये हो गया डायग्नोस करने का स्टेप, क्या हम कैसे डायग्नोस करेंगे एचआईवी को। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी लिवर साइज का बढ़ना या इन्फेक्शन होना या स्वेलिंग होना हेमेटोपैथी कहलाता है। नेक्स्ट है ओरल कैंडिडेट्स, यानी ओरल पे इन्फेक्शन एपोकेसिस जो बैक्टीरिया होम के द्वारा क्रॉनिक एरिथ्रल डायरिया एंड फेलियर ऑफ थाई, फेलियर ऑफ थाई यानी फेलियर ऑफ थाई यानी जॉइंट आपका दुख होते हैं उनकी जो हाइट है उनका जो आकार है वो बाकी इन्फेक्ट की तुलना में कम होता है, छोटा होता है, उसको फेलियर ऑफ थाई कहते हैं। और इसमें दूसरा जो होता है जो डेवलपमेंटल है उसमें काफ़ी जो होती है डिले होता है, ग्रोथ जो है काफ़ी लंबे टाइम से होती है। दूसरा होता है नेक्स्ट में प्रोटोराइटिस जो कि एक प्रकार का एलर्जी डिजीज है, यानी बॉडी के लीजन्स का बनना प्रोटोराइटिस कहलाता है। तो ये सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं एचआईवी पॉजिटिव जो एचआईवी वायरस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट लास्ट या प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये होता है कि एचआईवी पॉजिटिव जो मदर्स है उसमें हम देते हैं और प्रेगनेंसी में ये 12 वीक जाती है। सबसे पहले जुबेरिन टैबलेट एचआईवी पॉजिटिव अगर मदर से है तो उसको दी जाती है 6 वीक, और 12 वीक के लिए अगर प्रेगनेंसी में है तो जुबेरिन दी जाती है और लास्ट ऑफ केस तक एज तक। नेक्स्ट इसमें लेते हैं ओपीपी और बीसीजी वैक्सीन इन्फेंट्स को देना और एचबीवी एचपीवी वैक्सीन एमएमआर और डीपीवी वैक्सीन प्रोवाइड करना इन्फेंट को। नेक्स्ट
प्रोफेशनल नर्सेस को, डॉक्टर्स को, जो भी है प्रोफेशनल फील्ड डीलिंग दिस इंफेक्ट ऑफ अदर, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू एचआईवी कंडीशन, काउंसलिंग फॉर मदर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, हाउ टू फेस टू फेस लाइक एचआईवी इंफेक्शन, जो भी एचआईवी से रिलेटेड कोई भी कोई प्रोग्राम है तो उसको मदर्स को उसको अटेंड करना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें होम केयर मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं। तो होम केयर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है अगर एचआईवी मदर से एचआईवी बच्चा है तो एआरटी 6 वीक्स तक रहता है, यानी एंटीरियर इन्फेक्शन, सॉरी एक्यूट प्रेग इन्फेक्शन जो कि रहता है, जो कि एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ यानी आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट वैक्सीनेशन शुड बी कंटिन्यू रखी जाती है। तीसरा रेगुलर होमिंग काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड द पेरेंट्स, जो काउंसलिंग है वो पेरेंट्स को बराबर दी जाएगी। फैमिली शुड बी अबाउट कम्युनिटी विच शुड हेल्प, फैमिली मेंबर शुड बी फॉलो एजुकेशन विद डीलिंग विद एचआईवी और पॉजिटिव इम्पैक्ट। फैमिली को सभी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए एचआईवी को इसको इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव है उसको ध्यान रखना है। तो दिस इज कंप्लीट द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एचआईवी पॉजिटिव मदर। थैंक यू एवरीवन।